हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मैं आज मेकअप लुक लेकर आई हूं और सूट पर मेकअप लुक करके दिखाऊंगी। और ये मेकअप लुक ईद पर और रक्षाबंधन के स्पेशल के तौर पर मैं है और सिर्फ 4 प्रोडक्ट से ही मैं ये मेकअप लुक करके दिखाऊंगी। तो आप लोग देखेंगे कि ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें ली हैं। तो 4 चीज़ें ये क्या है, बीबी क्रीम है, काजल है, लिपस्टिक है और मस्कारा। बस इन 4 चीज़ों से ही मैं इतना अच्छा मेकअप लुक करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर और एक्स्ट्रा नहीं लूँगी मैं। और बाकी अगर आप लोगों के पास है तो और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, पर आज मैंने इसको 4 ही चीज़ों से रखा है तो बस यही चीज़ें मैं अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए, और अगर आपके पास ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको 4 ही चीज़ से मेकअप लुक करना है तो आप क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करिए। मैंने बस खाली फेस वॉश किया है अपने फेस को और सीधे फेस वॉश करने के बाद मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई कर ले रही हूँ। और बीबी क्रीम को डॉट डॉट करके लगाऊंगी और हाथों से ही ब्लेंड करूंगी क्योंकि इस यहाँ पर मैंने कोई भी ब्रश का, कोई भी टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। तो सिर्फ हाथों से ही ब्लेंड करूंगी और हाथों से रगड़ना नहीं है इन फाउंडेशन को, इसको अपने हाथों से ही बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से मैं इसको पूरे अपने फेस पे ब्लेंड करूँगी। और मैंने यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन की जगह मैंने बीबी क्रीम ली है और ना ही मैं कोई कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी से मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं तो अच्छे से छिप जाएंगे। तो अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो वहाँ उस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा बीबी क्रीम मैंने यूज़ किया है अपने आँखों पर, आँखों के आसपास, इसलिए मेरे ये डार्क सर्कल्स हैं जो छिप गए हैं इसी से ही। अब मेरा हो गया है यहाँ पर ये जो क्रीम है मेरी अच्छे से फेस पे पूरे ब्लेंड हो गई है। और अगर आपको कोई मतलब और भी कोड एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ये लगा सकते हो, पर मुझे जितना चाहिए था ग्लो अपने फेस पे वो इतना आ गया है। और एक चीज़ और बता दूं, मैंने सिर्फ 4 प्रोडक्ट लिए हैं तो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है कि आप 4 प्रोडक्ट्स, तो आप ज़रूर अपने फेस पर कॉम्पैक्ट पाउडर को ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर है, जो आप पाउडर लगाओगे तो उससे जो हमने क्रीम या फेस फाउंडेशन और बीबी क्रीम लगाई है वो अच्छे से लॉक कर देगा, इसलिए फेस पाउडर को लगाना ज़रूरी है। और बस मैंने बीबी क्रीम को ब्लेंड कर लिया है तो यहाँ पर आई शेडो की जगह मैं लिपस्टिक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि 4 चीज़ें ही लेनी थी तो मैं 4 चीज़ों के साथ यहाँ पर आई शेडो की जगह लिपस्टिक लगा रही हूँ। और अच्छा लगता है, पता है, लिपस्टिक से भी आप अभी कभी करके देखिए घर पर, और कौन कौन करता है अगर करता है तो ज़रूर बताइए। और मैं अक्सर इस तरीके से करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने आई शेडो की जगह लिपस्टिक अप्लाई कर ली है और अब मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पर काजल। तो काजल को मैं आईलाइनर के तौर पर भी लगाऊंगी और आंखों में काजल भी लगाऊंगी इसी से ही, और आई शेडो आईब्रो के ऊपर भी इसी को ही मैं अप्लाई करूँगी। और आईब्रो पर बहुत ही हल्का सा लूँगी क्योंकि काजल है, एकदम डार्क है तो बहुत हल्का सा, वैसे भी मेरी आईब्रो ब्लैक है काफ़ी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मैंने बीबी क्रीम को इस्तेमाल किया है तो हल्का फुल्का इधर उधर लग जाता है तो थोड़ा सा मुझे आईब्रो को भी सेट करना पड़ेगा अपने यहाँ पर। तो अभी देखिए, और मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था कि कैमरे के सामने मेरा शीशा आ रहा है तो आप लोगों को सही से शायद नहीं दिखाई दे पा रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मस्कारा। तो मस्कारा लगाने के बाद मेरा ये आई भी मेकअप लुक रेडी हो गया है और आईब्रो सेट करना रह गया था तो आईब्रो को भी मैं काजल से ही हल्का सा काजल लिया है और बस बहुत ही हल्का सा लेना है क्योंकि ये काजल है तो एकदम डार्क ब्लैक है, समझ ही सकते हो कितना बेकार, अगर थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो गया तो बहुत आपका मेकअप लुक बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी डार्क है आईब्रो तो आप इसको स्किप कर दीजिए, पर मैंने यहाँ पर बीबी क्रीम वगैरह लगाई थी जो कि आईब्रो पे हल्का फुल्का लग जाती हैं अगर ब्लेंड करो, मैंने हाथ से किया था तो थोड़ा सा लग गया था इसीलिए लगा लिया, वरना मैं इसको स्किप भी कर देती हूँ कई बार। और लिपस्टिक लगा लिया तो ये हो गया है मेरा मेकअप लुक रेडी। इसके बाद मैं इयर रिंग्स और बालों को बनाऊँगी और बिंदी लगा लूँगी तो मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ।
तो आप लोगों को ये मेरा मेकअप लुक इतना मतलब सस्ता, जिनके पास अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सभी के पास आज के समय में होता है। और अगर कम में करना चाहते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर हम मेकअप करते हैं उतना ही हमारे फेस पे नुकसान ही होता है, ये भी केमिकल सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं, तो कम से कम इस्तेमाल करिए अपने स्किन पर। तो बस यहाँ पर मैं अपने हेयर स्टाइल बना लेती हूँ और आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से अपने हेयर स्टाइल बना लीजिए। आपके ऊपर कैसा लगता है, कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है वो करके देखिए। तो यहाँ पर मैं दो तीन तरीके की हेयर स्टाइल करती हूँ, बट वो वीडियो नहीं बन पाई, स्किप हो गई थी, तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर एक ही आपके पास सामने दिख रही होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये 4 प्रोडक्ट से मेकअप लुक कैसा लगा? आप इस मेकअप लुक को रक्षाबंधन और ईद पर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। जिनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होते हैं उनको, वो लोग भी बहुत आसानी से इस मेकअप लुक को कर सकते हो। कम चीज़ों से भी आसानी से किया जा सकता है मेकअप लुक तो। और बाकी सभी को आता है, मेरे को जितना आता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मैं कोई ब्यूटिशियन नहीं हूँ। जितना आता है आप लोगों को पता ही है कितना आता है, तो वो आपके सामने है। तो बताइएगा ये कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक है, और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।